दोस्तों एक चीज़ मालूम है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 का जो इलेक्शन है ना, सोशल मीडिया के सहारे लड़ा जा रहा है। तो अब आप आश्चर्य कीजिएगा, यार वोट तो ईवीएम पे होता है, ये सोशल मीडिया के सहारे कैसे लड़ा जा रहा है? चलिए इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल बताते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एजिनफॉर्म। एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और चूंकि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ऐसे में मैं आपको अवेयर करके बताना चाहता हूँ कि आखिर रियलिटी क्या है, क्या क्या संभावना बनती है और आपको कैसे बचना है। आपके हित के लिए ही मैं बना रहा हूँ। देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये जो स्लोगन आया कि सोशल मीडिया के सहारे ही लड़ा जाना है, और सोशल मीडिया पे जो एक्टिवनेस दिख रहा है, इतना खर्चा दिख रहा है, इसके पीछे इतना पैसा लगाया जा रहा है, इसका मतलब तो यही प्रूफ होता है ना। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए चुनाव में जो प्रचार, इलेक्शन में जो प्रचार होता है, वो पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए खर्चा किया जाता है, और आज के डेट में पब्लिक से कनेक्ट करने का सबसे बढ़िया जरिया जो है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में फेसबुक है, ट्विटर है, इसके अलावा व्हाट्सअप है। अब जितने भी इलेक्शन में पार्टियां हैं, ये अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हर इंसान अपने अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल करता है। ये कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने इससे पहले ही ऑलरेडी सारे पार्टियों के पास बहुत सारे फेसबुक पेजेज हैं, जो आपके सेंटीमेंट से रिलेटेड पेज बना चुका है, और ऑलरेडी उस पेज पे इतने ज़्यादा लाइक्स हैं, और वहाँ पे सोचिए कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, मैं किसी एक पे क्लेम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सबके पास है ऑलरेडी। तो सभी पार्टियों के पास जब है, तो ये तो अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाएंगे ना, और आपके ब्रेन वॉश करेंगे, आपके पास जो मतलब कि टूल्स है वहाँ पे आपके सामने दिखाया जाएगा ऐसा कंटेंट जो आपको पसंद आएगा। तब आप कहिएगा यार ये तो प्रॉब्लम बता रहे हैं अजय भाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन भी बताऊंगा, वीडियो देखते जाइए ना कंटिन्यू। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या क्या संभावना बन सकती है। देखिए होता क्या है कि अगर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा सकता है, तो वोट देने से पहले तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, आपके ब्रेन को वॉश किया जा सकता है, आपके मूड को चेंज किया जा सकता है। तो कैसे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे फर्जी न्यूज अगर वायरल हो गया तो क्या होगा, आपके सेंटीमेंट को ब्रेक किया जाएगा, और आपके पास आता भी होगा ढेरों ऐसे मैसेज आएगा, और फ्यूचर में भी आने वाला है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन है दोस्तों फैक्ट चेकिंग वेबसाइट। जब आपके सामने जो वायरल कंटेंट आता है, तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को टाइम टू टाइम ब्राउज कीजिए। आखिर क्या है कि आपके इमोशनल से रिलेटेड, अगर आपको कन्विंस करने के लिए जब कोई चीज़ आता है आपके सामने, तो आप उसके इमोशन के कारण बह जाते हैं उसी की धारा में, और इसका फ़ायदा जो है पॉलिटिकल पार्टियाँ उठाती है, और आपके अनुसार कॉन्टेंट आपको दिखाती है, तो इससे ये लगता है कि अगला जो है ना वो गलत है और आप जो सोच रहे हैं सही है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आपको फैक्ट बता देना, तो आपको इतना गाली देने का मन करेगा उस फैक्ट चेकिंग वेबसाइट वाले को। क्यों पता है? क्योंकि आप अपने आप को समझ रहे थे कि वो सही है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन बाद में वेबसाइट पे जाके पता चलता है कि अरे यार जो सोच रहे हैं आप वो तो गलत है, तो ऐसे में गुस्सा आएगा, लोग उसके अपोज भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप कभी भी कहिएगा फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को कि वो जो है बिका हुआ है, मैं भी पॉसिबल बिकता होगा, लेकिन जो भी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट होगा, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे वो अल्ट न्यूज़ का होगा या ब्लूम का होगा, जितने भी हो, सब वेबसाइट पे एक चीज़ कॉमन देखिएगा कि जो भी चीज़ प्रूफ किया जाता है वो लॉजिकली प्रूफ किया जाता है। मान लीजिए कोई फोटो आज जो आपके सामने दिखाया जा रहा है कि देखिए वो फोटोशॉप करके एडिट करके आपके अनुसार दिखाया जा रहा है, आपको भड़काने के लिए, या आपके जो मतलब था वोट जिसको देना जा रहा है उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए अपने अनुसार। तो ऐसे में क्या होगा कि जब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर देखेंगे, तो वहाँ पर लॉजिकली बताया जाएगा कि ये फोटो जो है फर्जी है, और इसका ओरिजिनल फोटो कहाँ है, और वो डेट बाय डेट जब बताया जाएगा, तो ऐसे में बाद में खुद से भी तो चेक कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर जाइए, चाहे मैं आपकी फिर से बोल देता हूँ कि चाहे अल्ट न्यूज हो, चाहे ब्लूम हो, चाहे आपका ललन टॉप का हो, और ऐसे बहुत सारे आपको सिंपली गूगल करना है, फैक्ट चेकिंग स्क्रॉल का भी आता है, बहुत सारे सब न्यूज एजेंसी धीरे 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 अपना फैक्ट चेकिंग करना शुरू कर दिए हैं और वहाँ पर बताना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब तक इलेक्शन है तब तक एटलीस्ट तो आप करिए, चाहे आप एक स्टूडेंट है तो भी, क्योंकि आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है, और आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेहतर होगा, बेहतर करियर होगा, इसके बाद करियर के बाद फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड मटेरियल को देखेंगे तो शायद वो बेहतर होगा। और इसके बाद अगर आप एक वोटर हैं, तो आपके लिए तो एकदम ये नेसेसरी है कि आप इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए कि आपके पास भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा और आपको फैक्ट चेकिंग वेबसाइट से फैक्ट को चेक करना भी पड़ सकता है। दूसरी बात कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आप समझाने में सफल ना हो, तो ऐसे में मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आएगी, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका क्या ओपिनियन है नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।